प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास LKG UKG सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम सब एडिंग द लेटर्स मेक वर्ड के विषय में पढ़ेंगे। देखते हैं एड मीन्स जोड़ना, एडिंग मीन्स जोड़कर, द लेटर्स मीन्स अक्षर को, मेक वर्ड, मेक वर्ड्स मीन्स मेक मीन्स बनाना, वर्ड्स मीन्स शब्द को, एडिंग द लेटर्स मेक वर्ड, लेटर को लेटर से मिला करके शब्द बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं बेटा, देखिए ब्लैक बोर्ड पर बी प्लस ए प्लस टी इक्वल, बी प्लस ए प्लस टी इक्वल, बी ए टी इक्वल के आगे बी ए टी बैट, बैट मीन्स बल्ला, फिर स्पेस छोड़कर यानी कि स्थान छोड़कर के आगे लिखेंगे बी ए टी बैट, बैट मीन्स बल्ला। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करें आप सब, बी के बाद प्लस है, फिर ए है, फिर प्लस है, फिर टी है, आगे इक्वल है। यदि हम सब प्लस को निकाल लेंगे बी के बाद तो ए बचेगा, और फिर ए के आगे प्लस है, उसके आगे टी है, यहाँ से भी प्लस निकाल लेंगे, उसके आगे सिर्फ टी बचेगा, तो पढ़ा क्या जाएगा बी ए टी बैट, जैसा कि यहाँ इक्वल के आगे लिखा गया। एड मीन्स आप जो जानते हैं जोड़ना, तो प्लस यहाँ लगाया गया है, तो हमें आपको ऐड करना है, लेटर को लेटर में मिलाना है यानी कि जोड़ना है, जोड़ करके शब्द बनाना है। तो देखिए ऊपर लिखा गया है एडिंग द लेटर्स मेक वर्ड, लेटर को लेटर से जोड़ करके वर्ड बनाइए। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ देखिए इक्वल के पहले प्लस लगा करके लिखा गया है, आगे इक्वल के आप प्लस निकाल करके केवल अक्षर को लिखना है, आपका शब्द तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ आर प्लस ए प्लस टी है, तो आर ए टी राइट, राइट मीन्स चूहा, तो इक्वल के आगे सबसे पहले यहाँ देखिए कौन सा लेटर है, आर है, तो हमने आर को यहाँ लिखा, प्लस को निकाल दिया, बचा क्या ए, फिर ए को लिखा, फिर प्लस को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा टी बचेगा, तो फिर यहाँ हमने टी लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे, इक्वल के आगे क्या लिखा गया, आर ए टी राइट, राइट मीन्स चूहा, फिर शब्द के यानी कि वर्ड के सीट पर वर्ड लिखेंगे, आर ए टी राइट, राइट मीन्स चूहा, दो बार लिखने से, दो बार पढ़ने से आपको हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इस तरह से अगला देखते हैं बेटा, यहाँ है इक्वल के पहले, देखिए जी प्लस यू प्लस एन इक्वल, आगे लिखेंगे जी यू एन गन, गन मीन्स बंदूक, तो यहाँ देखते हैं कैसे लिखना है, सबसे पहला अक्षर देखते हैं क्या है, जी है, प्लस को छोड़ करके लेटर को केवल लिखना है, इक्वल के आगे यू है, फिर
फिर प्लस को छोड़ करके सिर्फ लेटर को लिखना है, क्या है ये नहीं। अब इसे पढ़ेंगे, जी यू एन, गन, गन मीन्स बंदूक। देखिए फिर इसको देख करके वर्ड के सिर पर वर्ड, लेटर के सिर पर लेटर हो, कोई लेटर इधर उधर न होने पाए और सभी लेटर ऊपर की तीन लाइन में हो, यानी कि लाइन टू लाइन में लिखे जाए। तो जी यू एन, गन, गन मीन्स बंदूक। देखते हैं इसके आगे, एफ प्लस ओ प्लस एक्स इक्वल एफ ओ एक्स, हॉक्स, हॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो सबसे पहला लेटर देखते हैं कौन सा लेटर है, एफ है, एफ को बनाते हैं, एफ को बनाते हैं, प्लस को छोड़ करके केवल लेटर को लिखना है ओ, फिर प्लस को छोड़ करके लेटर को लिखना है यानी कि एक्स को, एफ ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। फिर यहाँ वर्ड के शीत पर वर्ड एफ ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एफ ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। देखिए अगला है पी प्लस ई प्लस एन इक्वल पी ई एन, पेन, पेन मीन्स कलम। पहला लेटर क्या है, पी है, फिर प्लस को छोड़कर ई है, फिर प्लस को छोड़कर एन है, मिला करके पी ई एन, पेन, पेन मीन्स कलम, पी ई एन, पेन, पेन मीन्स कलम। तो फिर से एक बार पेन को यानी कि दो बार लिखेंगे, दो बार लिखने से बेटा आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपको जल्दी से याद हो जाएगा पी ई एन, पेन। लास्ट का देखते हैं सी प्लस यू प्लस सी प्लस यू प्लस पी, सी यू पी आगे इक्वल है। देखते हैं सी यू पी, सी यू पी से होता है कप, कप मीन से प्याला। फिर से एक बार लिखते हैं वर्ड के शीत पर वर्ड सी यू पी, कप, कप मीन से प्याला। प्यारे बच्चों, आपने आज पढ़ा एडिंग द लेटर्स मेक वर्ड, यानी कि लेटर को लेटर से मिला करके वर्ड को बनाना सीखा। और इस तरह से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। ध्यान दीजिएगा, एडिंग करने के लिए दिया जाता है, राइटिंग करने के लिए दिया जाता है, मिसिंग लेटर दिया जाता है। आप सब ध्यान दें और स्पेलिंग को याद करें, वर्ड को याद करें और किस तरह से ऐड करके वर्ड बनाया गया है ध्यान दें और स्पेलिंग को याद करें। आगे की वीडियो में आगे से पढ़ा जाएगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बेटा।